हेलो गाइस, मेरा नाम है शमशाद और गाइस आज के वीडियो में लेके आ गया हूँ एक न्यू आरसी प्लेन। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में देखते हैं इसको अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करके। तो चलिए गाइस अब अनबॉक्सिंग करते हैं इस आरसी फाइटर प्लेन का। लेकिन गाइस अनबॉक्सिंग करने से पहले जान लेते हैं इसके प्राइस। तो गाइस इसको मैंने बाय किया है लोकल मार्केट से 3000 रुपए का, और जो बेस्ट बाय लिंक अगर मुझे मिलता है ऑनलाइन में बाय करने का तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे में वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं इस आरसी प्लेन को। तो चलिए गाइस फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं गाइस बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज है। तो पैकेट को गाइस फटाफट से यहाँ से कट करेंगे और बाहर निकालते हैं, देखते हैं गाइस बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज है। तो फटाफट से गाइस इसको बाहर कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे है अपना आरसी प्लेन, यहाँ पे रिमोट और यहाँ पे कुछ सीरीज है। चलिए गाइस फटाफट से इसको बाहर करते हैं और आपको दिखाता हूँ प्लेन। तो गाइस देख सकते हैं ये है गाइस सखुई 35 फाइटर प्लेन। तो गाइस सखुई मॉडल से ये इंस्पायर है, सखुई 35 मॉडल से। तो गाइस ये है यहाँ पे अपना फाइटर प्लेन और यहाँ पे लगा हुआ है 2 प्रोपेलर देख सकते हैं गाइस जिससे ये चलता है, और काफी तेज चलने वाला यहाँ पे मोटर है, ये कोरलेस मोटर होता है गाइस, तो इसके मदद से ये चलता है काफी स्पीड से। तो गाइस ये मिलता है आपको गाइस। उसके साथ साथ गाइस आगे देखते हैं और क्या चीज है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ये है इसका रिमोट कंट्रोल जो कि गाइस 2.4 गीगाहर्ट्ज का है, जिसका रेंज काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। गाइस ये बटन है, ये जो जॉयस्टिक है इससे आप इसको ऊपर नीचे करते हैं और इससे लेफ्ट राइट करते हैं प्लेन को। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे 2 बटन और है, एक है गाइस यहाँ पे लाइट कंट्रोल करने के लिए जो कि इसमें लाइट है, वो लाइट को आप बंद चालू कर सकते हैं और इससे गाइस आप इसके स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं हाई लो यहाँ से। उसके साथ साथ गाइस ये बटन जो है इससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस ये है रिमोट कंट्रोलर। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ और यहाँ पे इसके पार्ट जो कि गाइस इसमें अटैचमेंट होने वाला है इसके अंदर प्लेन के अंदर, तो वो दिखा देता हूँ आपको एक बार फटाफट से। तो गाइस देख सकते हैं ये है इसका टेल्स, इसको आपको लगाना होता है। और उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे आपको बैटरी भी देखने को मिल जाता है। गाइस ये बैटरी है 3.7 वोल्ट का, 300 एमएच का इसका पावर है। आगे देखेंगे गाइस कितना देर तक इसका परफॉर्मेंस रहता है, फ्लाइंग टाइम रहता है। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ये यूएसबी वाला डिवाइस है, इससे आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, चार्जर है। और उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे आपको इसके व्हील्स भी मिलते हैं जो कि इसको आपको लगाना है व्हील्स, ये प्लेन में अटैच होने वाला है। और उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइज अब फटाफट से बैटरी लगाते हैं आरसी प्लेन में और रिमोट कंट्रोलर में और उसके बाद इसको चला के देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे इसका बैटरी का बॉक्स है, इसको ओपन करना है आपको, और यहाँ पे आपको जो बैटरी मिलता है इसके साथ इसको आपको सिंपली से प्लग कर देना है बैटरी को, और बस हो गया गाइज यहाँ पे बैटरी कनेक्ट। और उसके बाद बैटरी को गाइज अंदर यहाँ पे जो बॉक्स बना है बैटरी रखने का जगह, इसमें आपको बैटरी को सिंपली से, तो गाइज कुछ इस तरह से यहाँ पे बैटरी को रख देंगे और वापस फिर से इसके जो कवर है इसको भी लगा देंगे। और उसके बाद जो गाइज यहाँ पे इसका अटैचमेंट है वो भी लगा लेते हैं। तो गाइज इसके व्हील्स लगा देते हैं, ये गाइज यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लगाना है। तो गाइज ये फ्रंट व्हील लग गया इसके अंदर, अब यहाँ पे बैक व्हील लगने का जगह है तो इसमें यहाँ पे बैक व्हील्स को भी लगा देंगे। बस गाइज यहाँ पे व्हील अटैच हो गया है प्लेन के अंदर, अब यहाँ पे लगाना है गाइज इसके टेल्स को, यू टेल से इसको लगा देना है। तो गाइज यहाँ पे इसको सिंपली से ऐसे लगा लेना है। तो गाइज आप फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं अपना आरसी प्लेन का कुछ इस तरह का लुक मिल जाता है सारे अटैचमेंट लगाने के बाद। यहाँ पे ये टेल्स और यहाँ पे व्हील्स, दोनों व्हील्स लगाने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। अब लग रहा है गाइज अपना पूरा रियल वाला सुखोई फाइटर प्लेन के तरह दिखने में। चलिए गाइज अब ये तो यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब लगाते हैं फटाफट से अपने इस रिमोट कंट्रोलर में बैटरी। तो गाइज यहाँ पे है इसका बैटरी बॉक्स, इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। और गाइज यहाँ पे हमें चाहिए 3 AAA बैटरी, इसको आपको लगाना है। तो चलिए गाइज बैटरी को फटाफट से लगा लेते हैं इस रिमोट कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे गाइज सिंपली से आप बैटरी को कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा दें नेगेटिव पॉजिटिव का साइन देख के, और उसके बाद इसके कवर को फिर से लगा देंगे जैसे था उस तरीका से। तो गाइज अब रेडी हो चुका है अपना प्लेन चलने के लिए। चलिए गाइज इसको ऑन करते हैं अब। तो गाइज यहाँ पे ऑन अप का बटन है, इसको ऑन की तरफ स्लाइड करेंगे और देख सकते हैं गाइज यहाँ पे ऑन होने का लाइट, इंडिकेटर लाइट आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइज अब रिमोट कंट्रोलर को ऑन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे स्लाइड करेंगे और एक साउंड आएगा बीप बीप सा, इसको आगे पीछे करेंगे एक बार रिमोट कंट्रोलर को, और ये गाइस यहाँ पे अब कनेक्ट हो चुका है। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको एक बार।
तो देख सकते गाइज चलने का स्टार्ट हो गया है, मतलब कि गाइज आप रेडी है चलने के लिए अपना प्लेन। तो चलिए गाइज आप टेस्टिंग करके देखते हैं। तो गाइज मैं आ गया हूँ एक बड़ा सा फील्ड में, यहाँ पे इसका फ्लाइंग टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए गाइज फटाफट से फ्लाइट को उड़ाते हैं और देख सकते गाइज यहाँ पे आरसी फाइटर प्लेन उड़ने का स्टार्ट कर दिया है और काफी अच्छा से यहाँ पे फ्लाइंग होने लगा है, आप देख सकते हैं। इधर दिख रहा है सर,